सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों देख सकते हो दिल्ली के एयरपोर्ट पे ये यहां पे फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, जो कि 1 किलोमीटर का फ्लाईओवर होने वाला है। कंस्ट्रक्शन का सामान चल रहा है। मेरे राइट हैंड पर देख सकते हो, इस पर आपको बता दूं कि पियर बना के और पियर कैप का भी काम कर लिया जा चुका है कुछ जगह पे, और इस पर फ्लोरिंग का काम कर दिया जा चुका है। तस्वीरें देख सकते हो, यहाँ पर ये सेटरिंग लगी हुई है, यहाँ पर ये फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है। आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो आपको बता दूं ये T3 के लिए चला जाता है, T3 और T2 के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हो ये पिलर अभी बनाए जा रहे हैं, पियर कैप का काम किया जा रहा है। दोस्तों देख सकते हो तस्वीरें, ये लगा हुआ और यहाँ से ये T1 के लिए चला जाएगा। दोस्तों तो यहाँ पर ये सारा है कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो कि पियर बन चुके हैं, पियर कैप का काम किया जा रहा है। कहीं कहीं जो बन गए हैं वहाँ पर फ्लोरिंग का काम कर दिया जा चुका है। दोस्तों तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया और बताया जाए। दोस्तों और ये आ जाती है एरो सिटी के सामने ही ये फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। दोस्तों तस्वीरें देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा जाम जूम रहता है, रेड लाइट भी है, लोगों को परेशानी होती है क्योंकि रेड लाइट में रुकना पड़ता है, टाइम बहुत कम होता है। तो इसी वजह से ये दिल्ली सरकार बनवा रही है इसको, एयरपोर्ट के फ्लाईओवर को। दोस्तों ये कंस्ट्रक्शन का सामान चल रहा है, ये दो रोड पहले ही बना दी जा चुकी थी, ये पहले बनाई गई थी ये रोड, फिर उसके बाद में ये एरो सिटी के बगल में ही ये फ्लाईओवर को भी बनाया जा रहा है। दोस्तों जो कि आपको बता दूं कि NH8 से जोड़ दिया जाएगा। दोस्तों सीधी कनेक्टिविटी दे दी जाएगी। यहाँ पर देखो ये JCB खड़ी हुई है, यहाँ पर ये रैंप बनाने का काम चल रहा है। दोस्तों इधर भी ये सेटरिंग लगी हुई है, अब देख सकते हो सेफ्टी बोर्ड लगे हुए हैं, दोनों साइडों में ही मिट्टी डालने का अर्थवर्क का काम चल रहा है। दोस्तों और इधर भी यहाँ पर इन्होंने ये फ्लाईओवर का पार्ट बनाया है इधर की साइड में। इधर देखो ये जो सेफ्टी बोर्ड लगे हुए हैं मेरे लेफ्ट हैंड पे, और राइट हैंड पे एरो सिटी है। दोस्तों तो आपको बता दूं कि ये रोड भी आना एयरपोर्ट से आने के लिए है। देख सकते हो यहाँ पर ये निर्माण किया जा रहा है दोस्तों फ्लाईओवर का। अब ये लेफ्ट में चले जाएंगे तो हम NH8 पर चले जाएंगे दोस्तों, और अगर हम यहाँ से ये सीधे सीधे जाते हैं तो ये हम T1 के लिए चले जाएंगे, यानी कि द्वारका वाले रेड लाइट होकर सीधे फिर हम निकलेंगे जाकर। तो यहाँ पर देख सकते हो ये व्हीकल अंडरपास बना दिया है इन्होंने, अब इस पर दोनों साइड में रैंप बनाए जाने हैं। दोस्तों ये देख सकते हो ये रैंप बनाने का काम चल रहा है, और ये सीधा आगे कूद जाएगा NH8 से, ये जॉइंट कर दिया जाएगा दोस्तों के वहाँ से सारे वाहन फिर आ जाया करेंगे। तो इधर का देखो रैंप ये बनाने का काम चल रहा है, उधर से व्हीकल अंडरपास बना दिया है, इधर भी देखो ये फ्लाईओवर का पार्ट पहले ही बन चुका था जो कि फिनिशिंग का काम करा जा रहा है, और अब इस पर पैराफिट वॉल भी लगा दिए है साइडों में। दोस्तों देख सकते हो आप लोग तस्वीरें, ये 1 किलोमीटर का ये फ्लाईओवर होने वाला है दोस्तों। और आप सभी बता सकते हो कि ये वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमें लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों, क्योंकि ये पहले का ही अंडरपास बना हुआ है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। तो आप लोग देखो, ये देख सकते हो दोनों साइड पेंटिंग करी हुई है, ये पेंटिंग बना रखी है, और बीच में लाइटें लगी हुई हैं, साइडों में भी लाइटें लगी हुई, तो काफ़ी खूबसूरत लगता है दोस्तों। और जब यहाँ से ये आप सब रात में गुजरोगे ना तो इसका नज़ारा कुछ अलग ही होता है दोस्तों। तो यहाँ से हम होते हुए सीधे आप लोगों को दिखाएंगे चल के द्वारका की रेड लाइट, अगर लेफ्ट में जाते हैं तो हम T1 के लिए चले जाएंगे, और सीधे जाते तो द्वारका के लिए चले जाएंगे, और राइट में जाते तो हम आपको बता दो बसंत कुंज और धौला कुआं के लिए निकल जाएंगे दोस्तों। तो यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया और बताया जाए दोस्तों। तो आप लोग बताना नीचे हमें कमेंट करके, ऐसे ही वीडियोस में पर डे आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, क्योंकि एयरपोर्ट पर बहुत ही ज़्यादा अभी जाम जूम का झंझट रहता था, तो इसी वजह से फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है, और बाई शेप में एक और फ्लाईओवर बनाया जा रहा है दोस्तों, जिस पर एरोप्लेन उतरा करेंगे और वहीं से फ्लाइट हुआ करेंगे दोस्तों, क्योंकि एरोप्लेन की पार्किंग बनाई जा रही है यानी कि एलिवेटेड, तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो हमें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, और फिर मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगा।
तो आप लोग बताना कि आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी दोस्तों। अच्छी लगी हो तो हमें लाइक शेयर कर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो आगे रेड लाइट आने वाली है तो आप लोगों को दिखाएंगे। यहाँ पर जितने भी आपको बता दो कि जो फोर्स है उनके घर बनाए गए हैं, और ये गांव है दोस्तों, ये एयरपोर्ट के बगल में ही ये गांव आ रहा है। गांव का नाम भूल चुका हूँ मैं, किसी को याद हो तो हमें नीचे कमेंट करके बता देना दोस्तों, मैं मेंशन कर दूंगा वीडियो में। तो आप लोग देखो, जैसे हम यहाँ से लेफ्ट लेंगे और वैसे ये रेड लाइट आ चुकी है, ये देख सकते हो ये रेड लाइट आ गई ना। अब यहाँ से अगर लेफ्ट जाते हैं तो हम T1 के लिए चले जाएंगे, बिल्कुल सीधे जाएंगे तो हम द्वारका के लिए निकल जाएंगे, और यहाँ से राइट में जाते हैं तो दोस्तों धौला कुआं के लिए और बसंत कुंज के लिए निकल जाएंगे। दोस्तों तस्वीरें देख सकते हो, ये रेड लाइट खुल चुकी है और यहाँ से हम हो जाएंगे राइट में और चलेंगे आगे का भी फ्लाईओवर आप लोगों को दिखाते हैं चल के कि कितना सुंदर लगता है देखने में ये फ्लाईओवर दोस्तों। तो आगे आने वाला है और आप लोग देखो और इन्जॉय करो ऐसे ही वीडियोस। तो आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर। केपी संत लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों। तो आप लोग बताओ ये वीडियो कैसा लगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में आप सभी से, तो आप सभी इन्जॉय कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा।